हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बताएं। दोस्तों मैं आप लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा कि सर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई जो आप लोग जो है नहीं बता रहे हैं, एमसीक्यू नहीं बता रहे हैं। दोस्तों तो मैंने विवश होकर, क्यों कि निम्मी ने अब तक कोई जो अपना पीडीएफ जारी नहीं किया दोस्तों, ठीक है, तो मैंने किताब से और चाहे चित्रा कोई गाइड से मैं इसको जो है मेरे को लेके आना पड़ा, क्यों कि अब तक निम्मी ने जो पीडीएफ जारी नहीं किया दोस्तों। तो किताब से क्वेश्चन दोस्तों मिला है, मैं आप लोग बता रहा हूँ, और इसमें से दोस्तों आना पक्का ही है, क्योंकि इस बार जो पता आप लोग को है लेटर जारी हुआ था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ऑनलाइन होगा। क्या होगा? सीबीटी होगा। मतलब पहले क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हाथ से बनाना पड़ा था, मतलब क्या बनाना है, कितना माप है, क्या है, तो गवर्नमेंट ने इस बार कर दिया सीबीटी में कर दिया इसको। मतलब आप लोग का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर क्या होगा, एमसीक्यू में होगा। 6 क्वेश्चन आएंगे, कितने 6 क्वेश्चन आएंगे मात्र आपके, समझ गए। तो मैं अब चलता हूँ आप लोग का, आज मेरा पहला पार्ट, पार्ट वन दोस्तों है। ये फर्स्ट ईयर सभी टेटों के लिए है, फर्स्ट ईयर ऑल टेट, इतने इंजीनियरिंग टेट हैं फर्स्ट ईयर के, ये लागू सबके लिए दोस्तों है। तो पार्ट वन हमारे 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर। टाइम कम बच गया है, आप लोग पक्का इसको पढ़ लें। इसका जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर लिंक कहाँ मिलेगा, अबाउट में दोस्तों। इसके बाद आपको हम कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी का भी, इसके बाद जो है देखते हैं, हम लोग खोज रहे हैं क्वेश्चन किताबों में, इसके बाद हम क्या लाएंगे सेकेंडरी का। तो पढ़िए आप लोग, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 आज का है, आईएएस विशिष्टता के अनुसार 210 mm गुड़े 297, मतलब 210 mm गुड़े 297 mm माप का परिकृष्ट रेखाचित पन्ना किस ग्रेड के नाम जाता है। बोल रहा है कि जो पन्ना हमारा है आईएएस, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, पता होगा आईएएस, आईएसआई, बीआईएस होता दोस्तों ना, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन। तो ये जो इनका जो कंपनियां जो होता है होल में होता है, होल मार्क लिखा है आईएएस, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 210 × 297 mm का जो माप का रेखा पन्ना जो है मतलब ड्राइंग का, बोला है कि किस ग्रेड के नाम से हम लोग जानते हैं उसको है, पता है कि A5, B A4, C A0, D A2। पता है आपको हम लोग को 5 स्टैंडर्ड में मिलती हैं जो है वो पन्ना मिलता है ड्राइंग का, A1 A2 A4 A5 तक दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 210 × 297 mm जो माप पन्ना है वो किस ग्रेड में आता है, तो क्या आंसर होगा, बी होगा, A4 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, A4 पन्ना होता है, क्या होता है, A4 ग्रेड के नाम से जाना जाता है। तो पन्ना होता है हमारा 210 mm गुड़े 297 mm, इसको हम लोग A4 ग्रेड के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, A4। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन नंबर, फ्रेंच वक्र का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। क्या तो क्या बोला है, फ्रेंच वक्र। अब फ्रेंच वक्र क्या होता है, उसमें होता है कि एक विभिन्न प्रकार की आकृति की होती है टेम्पलेट, क्या होती है, एक विभिन्न प्रकार की जो आकृति की होती है टेम्पलेट होती है, उसकी कोई आकार नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, जो होती है अनियमित, इरेगुलर, कैसी होती है, इरेगुलर होती है, ठीक दोस्तों। पहले यह लकड़ी की आती थी और आजकल प्लास्टिक में आती है। जो फ्रेंच वक्र है कोई साइज में होता है, इरेगुलर होता है, पहले आती थी लकड़ी में, अब आ रही है किस में आती है, आती है प्लास्टिक में दोस्तों, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार की रेखाएं बनाने के काम में आता है, ए क्षैतिज, बी वक्र, सी ऊर्ध्वाधर, डी समांतर। दोस्तों आती है किसकी बनाने के लिए, वक्र, वक्र रेखाएं बनाने के काम में आती है या कि आता है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, वक्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरण प्राय किस ग्रेड की पेंसिल की जाती है। क्या बोल रहा है, जो अक्षरण बनाते हम लोग हैं प्राय किस ग्रेड की पेंसिल की जाती है, A 7H, B 6B, C 3H, D H। दोस्तों जो अक्षरण हम लोग प्राय करते हैं 3H पेंसिल से, किसे करते हैं, 3H। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर 3H। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4, मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड की पेंसिल की जाती है। बोल रहा है मुक्त हस्त चित्रण, मतलब कि हस्त चित्रण जो मुक्त बोल रहा है
वो हम लोग किस ग्रेड डिफरेंसेस में बनाते हैं, ए 4H, बी 3H, सी 4B और डी HB। दोस्तों जो है हम लोग जो है हर चित्रमुख जो है बनाते हैं HB पेंसिल से, किससे, HB ग्रेड की पेंसिल बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर, डी HB। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से किस रूप में नहीं किया जाता है। दोस्तों क्या बोल रहा है, जो मिनी ड्राफ्टर है उसका उपयोग इनमें से किसके रूप में नहीं करते हैं, ए सेट स्क्वायर, बी फ्रेंच बकर, सी चांदा, डी पैमाना। दोस्तों जो फ्रेंच बकर है उसमें हम लोग मिनी ड्राफ्टर का जो है इसमें से हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से हम लोग फ्रेंच वक्र के रूप में नहीं किया जाता है। आंसर बी हुआ, राइट, बी फ्रेंच वक्र। क्वेश्चन नंबर 6, IS विशिष्टता के अनुसार निम्न चार प्रकार के टी स्क्वायर में से T2 द्वारा विनिर्देशित कौन सा है। बोल रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो विशिष्टता दिया है, निम्न चार प्रकार के जो टी स्क्वायर में से T2 द्वारा विनिर्देशित कौन सा है। जो T2 हमारा था, बताया था आपको मैं, वो था जो क्या बोलते हैं ड्राइंग शीट, पूछ रहा है विनिर्देशित कौन सा इसमें है, ए 1500 mm, बी 1000 mm, सी 700 mm, डी 500 mm। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा 700 mm। बट T2 द्वारा जो है विनिर्देशित कौन सा है, तो 700 mm वाला होता है हमारा जो है क्या, जो टी स्क्वायर होता है वो T2 द्वारा विनिर्देशित 700 mm होता है, मिमी। तो आंसर क्या होगा, सी होगा 700 mm। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर को किससे जाना जाता है। दोस्तों वो टॉप क्वेश्चन है, बोला ड्राइंग बोर्ड जो कार्यकारी कोर है उसको हम किससे नाम जांचते हैं, सही गलत है, ए प्रकार, बी टी स्क्वायर, सी सेट स्क्वायर, डी मापनी। दोस्तों उसको हम नापते हैं टी स्क्वायर से कि ड्राइंग बोर्ड की कोर सही है या गलत है, किसे नापेंगे, टी स्क्वायर द्वारा। तो आंसर क्या होगा, टी स्क्वायर, बी होगा सही आंसर, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेखा बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें से बैटन का कार्य होता है। क्या बोला है, एक रेखा चित्र बोर्ड है उसमें अनेक भाग होते हैं जिसमें से कि बैटन कार्य क्या होता है, ए पट्टियों कसना, बी विकृत होने से रोकना, सी पट्टियों को सहारा देना, डी टेबल पर टेक देना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, विकृत होने से रोकना, क्या होगा जो है बैटन कार्य मतलब विकृत होने से रोकना। आंसर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, विकृत होने से रोकना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने के उपयोग में लाया जाता है। बहुत टाफ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जो हमारा होता है टी, देखिए स्क्वायर लकड़ी होता है टी टाइप होता है, वो किस प्रकार की रेखा हम खींचते हैं लाते हैं उपयोग में, ए क्षैतिज, बी अनंत तिर्यक, बी ऊर्ध्वाधर, सी डी सभी प्रकार की। दोस्तों जो हमारा टी स्क्वायर है वो क्षैतिज रेखा खींचने के काम में लाया जाता है। आंसर क्या होगा, क्षैतिज, तो राइट आंसर ए होगा, क्षैतिज। क्वेश्चन नंबर 10, सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है। दोस्तों बोल रहा है कि जो हमारा सेट स्क्वायर, देखिए आप लोग देखे होंगे सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है, ए वृत्ताकार, बी वर्गाकार, सी त्रिभुजाकार, डी आयताकार। दोस्तों जो हमारा सेट स्क्वायर है कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, IS विशिष्टता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र पट उपलब्ध होते हैं, इनमें से D2 आकार का निर्दिष्ट रेखापट कौन सा है। बोला है जो इंडियन स्टैंडर्ड विशिष्टता के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो हमारी जो ड्राइंग उपलब्ध पट होती हैं, इनमें से D2 आकार का निर्दिष्ट रेखाचित्र पट कौन सा है। D2 पूछ रहा है, ए 500 × 350 mm × 15 mm, बी 700 mm × 500 mm × 15 mm, सी 1000 mm × 700 mm × 25 mm, डी 1500 mm × 1000 mm × 25 mm। दोस्तों जो होता है D2 हमारा क्या होता है, 500 mm × 350 mm × 15 mm। ध्यान लीजिए दोस्तों, D2 का होता है 500 mm × 350 mm ×
15 mm। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रेखा चित्रों में अक्षरों का विशेष महत्व है जो कि विभिन्न तरीकों से उपयोग में आते हैं। आईएएस विशेषता के अनुसार अक्षरों को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है। बोल रहा है कि जो अक्षर हमारे हैं विभिन्न तरीकों से उपयोग में आते हैं, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड विशिष्ट है उसके अनुसार अक्षरों को हम लोग किस प्रकार मतलब दिखाते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। ए ऊंचाई से, बी ऊपरी चौड़ाई से, सी स्ट्रोक की मोटाई से, डी निचली चौड़ाई से। दोस्तों हम लोग अक्षरों को ऊंचाई से दिखाते हैं, किससे, जो आई विशेषता के अनुसार अक्षरों को हम लोग ऊंचाई से निर्दिष्ट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, ऊंचाई से निर्दिष्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस गेट की पेंसिल से बनाई जाती है। दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन किस गेट की पेंसिल बनाई जाती है। ए एच बी, बी टू एच, सी फोर एच, डी सेवन बी। दोस्तों जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन सेंटर लाइन 2H पेंसिल से बनाई जाती है, आंसर राइट बी होगा, 2H। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइंग पेंसिल में सबसे नर्म गेट कौन सी है। दोस्तों देख लीजिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये। ड्राइंग पेंसिल में सबसे नरम मुलायम, क्या बोला, नरम मुलायम ग्रेड कौन सी है। ए बी ग्रेड, बी एच बी पेंसिल, सी सेवन एच पेंसिल, डी सेवन बी। दोस्तों सबसे जो नरम होती है, जो मुलायम, 7B पेंसिल होती है। ड्राइंग पेंसिल में सबसे नरम पेंसिल 7B पेंसिल होती है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, 7B। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राइंग आउट लाइन किस गेट की पेंसिल से बनाई जाती है। क्या बोल रहा है, जो ड्राइंग की आप बनाते हैं आउट लाइन, वो किस गेट की पेंसिल बनाई जाती है। ए 4H, बी बी 7B, डी 2H। दोस्तों जब लोग ड्राइंग की आउटलाइन बनाते हैं वो 2S बनाते हैं पेंसिल से, क्या बनाते हैं, 2S से। तो आंसर क्या होगा, 2H, डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चार प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त कर होते हैं। इनमें से एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। बोल रहा है कि चार प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड होते हैं, लेकिन इनमें से एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार क्या होगा। ए 0.1 mm, बी 0.2 mm, सी 0.6 mm, डी 0.5 mm। दोस्तों जो अर्ध स्वचालित पेंसिल का लेड क्या होगा, आंसर राइट डी होगा, 0.5 mm होता है। एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार 0.5 mm होता है, आंसर राइट डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है। बोल रहा है कि जो ड्राइंग पेंसिल होती है सबसे हार्ड मतलब ठोस ग्रेड कौन सी होती है। ए एच बी, बी 9H, सी बी ग्रेड, डी 6B। सबसे हार्ड होती है कौन सी, 9H। ध्यान देना, ड्राइंग पेंसिल में सबसे हार्ड ग्रेड होती है 9H ग्रेड पेंसिल, आंसर राइट बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड से पेंसिल, बोला कि फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। दोस्तों मतलब आपको ड्राइंग बन गई है तो एकदम फाइनल पक्की ड्राइंग, मतलब एकदम फाइनल ड्राइंग आप किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है, बनाएंगे आप, ये बनाई जाती है। ए 5B, बी 3H, सी बी, डी 8H। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा 3H। जो 3H से हम लोग जो है फाइनल ड्राइंग जो है करते हैं, लास्ट में किस करते हैं, 3H पेंसिल, आंसर राइट क्या होगा, बी होगा, 3H। क्वेश्चन 19, एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्राइमेट साइज किस रेखा द्वारा किया दिया जाता है। ए बॉर्डर, बी बॉर्डर रेखा, सी मार्जिन रेखा, डी फ्रेम। दोस्तों जो एक ड्राइंग शीट का जो है हम लोग आकार किसे मांगते हैं, मार्जिन रेखा से, किसे नापते हैं, मार्जिन रेखा से। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, मार्जिन रेखा। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन पर दोस्तों, आज के पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है। आप लोग को 20 क्वेश्चन पढ़ा दिया हूं मैं छांट छांट के, पक्का दोस्तों आएगा, पढ़िए आप लोग। इसके बाद कल से मिलेगा आपको सेकंड इंडिया का ड्राइंग, ठीक दोस्तों। क्यों कि निम्न ने पढ़ा नहीं है, कहेंगे सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों किताब से पढ़ा रहा हूँ।
कुछ हमने गाइड मंगाया था दिल्ली से, जो चित्रा गाइड मेरे पास थी ठीक दोस्तों, विद्या पटरंग थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन सब आए थे क्वेश्चन ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 16, 17, 18 में सब, तो आप लोग जो है पढ़िए दोस्तों, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? हमारे चैनल पर जो है ITI जो फिटर इलेक्ट्रिशियन और आपको साइंस इम्प्लायबिलिटी स्किल इंजीनियर ड्राइंग टोटल वीडियो पढ़िए दोस्तों, अब बढ़िया वीडियो पढ़ी है, आप PDF का पढ़ा है टेलीग्राम पर दोस्तों, और पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप गारंटी पास होंगे। आप बच्चे हमारे पास हो रहे हैं, सिर्फ निम्मी से बच्चे पढ़ रहे हैं किताब से, नहीं किताब से नहीं PDF से, क्योंकि उन्होंने PDF दिया है लगातार उसमें फंस रहा है, लेकिन अब तक जो है उन्हें इंजीनियर ड्राइंग का PDF नहीं दिया है, तो हम लोग को जो है किताब से बनाना पड़ा था मजबूरी, किताब से या कोई डाउट गाइड हैं चित्रा के चाहे विद्या के हैं तो मैं दोस्तों पढ़ा दिया, वो पढ़िए, अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगता है तो बच्चों को शेयर कीजिए, जो दोस्त आपको पढ़ने वाले हैं सर बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है पढ़ेंगे। चलते हैं हमारा क्वेश्चन लास्ट है 20-20 नंबर। एक ड्राइंग शीट की आकारों की श्रृंखला दो क्रमिक स्वरूप संयोग एवं दोहरीकरण से प्राप्त होती है, इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? अब बोला है एक ड्राइंग शीट है आकारों श्रृंखला दो क्रमिक रूप में होती है, तो इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ए 1:2 करड़ी में 2, बी 1:2, सी 1:3, डी 2:1। दोस्तों इसका क्या अनुपात होगा? 1:2। इनका जो लंबाई का क्या अनुपात क्या होगा? 1:2। दोस्तों तो आपके लिए आज के इतना ही, आगे की जो वीडियो देखने के लिए हम लोग कल मिलेंगे आपसे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, PDF के लिए टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पर लिंक अबाउट मिलेगा, वहां पर जाके पक्का लें, हमको कमेंट करें सर नहीं PDF कहाँ है, आप लोग कमेंट नहीं करें दोस्तों। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।